फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। गांधीनगर क्षेत्र में प्राइवेट शराब की दुकानों पर लगाए गए बैनर 45 दिन तक रहेंगी दुकानें बंद। वीरवार की सुबह गांधीनगर क्षेत्र में हमने प्राइवेट शराब की दुकानों पर जाकर जायजा लिया, जहां हर दुकानों पर बैनर लटके दिखाई दिए, जिसमें लिखा है कि 1 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक दुकानें बंद रहेंगी। कारण कि दिल्ली आबकारी विभाग की तरफ से तमाम दिल्ली में जो 261 प्राइवेट शराब की दुकानें हैं, उनको नोटिस भेजा गया था कि जो आबकारी विभाग की तरफ से एक नई पॉलिसी जारी होनी है, जिसके चलते 45 दिन तक ये दुकानें बंद रहेंगी, सिर्फ सरकारी दुकानें खुली रहेंगी। जब प्राइवेट दुकानों के जो शॉपकीपर हैं और जो उनके मैनेजर हैं, उनका यही कहना है कि दुकानें बंद हो रही हैं 45 दिन के लिए, इसलिए हमने जो सामान है वो हम कम मंगा रहे हैं और सरकारी दुकानों पर अब ज़्यादा भीड़ दिखाई देने को मिलेगी और इसमें उनको दिक्कत का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि 45 दिन तक प्राइवेट शराब की दुकानें बंद रहेंगी। सुने आप क्या कह रहे हैं प्राइवेट शराब की दुकान के मैनेजर। क्या नाम है आपका? विजय कुमार जी। विजय जी, आज लास्ट डे है और ठेके बंद होने वाले, जो जितने प्राइवेट आते थे सरकारी खुले रहेंगे, तो देखा गया है कि आपकी दुकान में भी काफ़ी माल कम है और थोड़ा बहुत बचा हुआ है, कितना नुकसान होगा, कब दुकानें खुलेंगी? सर, दुकानें तो 17 नवंबर तक खुलेंगे और सामान आप मंगवा नहीं रहे हैं, जितना है उतना ही स्टॉक क्लियर कर रहे हैं। पब्लिक का क्या रिएक्शन है इसमें ऊपर? क्या बताएं, टेंडर बढ़ाया जा रहा है, क्या होगा इसमें? नहीं, दिल्ली गवर्नमेंट की नई पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो रही है ना 17 नवंबर से। अच्छा, तो उसको सही जमीनी स्तर पे लाने के लिए उसका कुछ ब्रेक दे रहे हैं। बताया जा रहा है 261 दुकानें जो दिल्ली के अंदर है वो बंद होंगी, प्राइवेट है। हाँ जी, तो कितना असर पड़ेगा इन सब पे? सारा बर्डन तो सरकारी पे आएगा ना सर। अच्छा।